डियर व्यूअर्स, बहुत दिनों बाद यमी सी मज़ेदार सी आज चिकन जलफ्रेजी बन रही है मेरे स्टाइल में, जो कि बहुत पसंद की जाती है माउथ वाटरिंग। तो कैसे बनती है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, चलिए देखते हैं। बनाने के लिए मेरे पास ये हाफ चिकन ब्रेस्ट है जिसको मैंने डीफ्रॉस्ट किया। अब आप अपनी मर्जी के इसके शेप्स के, जितना भी शेप आप चाहें, इसके पीसेस कट कर सकते हैं। और फिर कौन से मसाले डालने हैं, बिल्कुल बेसिक इन्ग्रीडियंट्स है, प्याज, लहसुन, अदरक, टोमेटो, शिमला मिर्च जाएगा और ज़बरदस्त सी डिश तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टोव ऑन किया, थोड़ा सा डाला ऑयल और ऑयल में डाल दिए हमने अनियंस। ये देखें, ये दरमियाने से अनियन है, डिपेंड करता है। मेरा जो चिकन है वो अबाउट हाफ के जी कह लें आप, हाफ के जी के करीब करीब है, ठीक है। इसको हमने ज़रा सा सौते करना है। दो मिनट बाद डाल दें थोड़ा सा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारी पक चुकी है, इसका अरोमा आ रहा है। साथ ही हम डाल देंगे चिकन, और चिकन को इतना भूनेंगे कि इसका कलर पिंकिश पिंकिश हो जाए। इसके बाद डालेंगे स्पाइसेस। भुनाई हो रही है, चिकन की ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। देखिए जनाब, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालें। पानी का छींटा देना ना भूलिए, मसाले जलते हैं फिर आपको स्नीजिंग। ये जा रही हैं 3 लंबी लंबी मिर्चें, आप चाहें तो उनको चॉप करके भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और ऑयल ऊपर आ रहा है। अब इसके बाद हम डालेंगे 2 दरमियाने टमाटरों की प्यूरी। टमाटर प्यूरी, 2 टमाटर दरमियाने से ले लें, ज़्यादा भी चले जा सकते थे लेकिन टमाटर बहुत महंगे हैं, इट्स नॉट, तो जो है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल को भी माइंड में रखें। अब जो है हम इसमें, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप और डाल सकते थे, ठीक है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट तक हम पकने देंगे लो फ्लेम पर, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं। 10 मिनट्स हो गए हैं, हमने लिड रिमूव किया और ये देखें चिकन हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। यहाँ पर ये चमचे से ही लग रहा है, ये देखेंगे कि बिल्कुल गल गया। अब इस स्टेज पर डालने की बारी है वेजिटेबल्स। मेरे पास यहाँ पर है प्याज, शिमला मिर्च और ये एक सीक्रेट टिक जो मैं आपको टिप दे रही हूँ ना, केचप की है। उतारने से 5 मिनट पहले जब आप केचप डाल देंगे ना तो रेस्टोरेंट्स वाला टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। और जिस रुख पर आपने जितना चिकन का काटा ना, वैसे ही आपने शिमला मिर्च काटनी है। अगर लेंथ वाइज है तो आप शिमला मिर्च भी लॉन्गिट्यूडनल कर दें, अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो आप वेजिटेबल भी वैसी ही। सीक्रेट टिप है कि जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं, सब्जी या मीट, तो आप उतारने से 2 मिनट पहले जब इसमें पेपर डालेंगे ना, ब्लैक पेपर, तो इसका टेस्ट एनहांस हो जाए। अल्लाह, हमारी जलफ्रेजी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे डिश आउट करें। एक रिक्वेस्ट है आपसे ऑल फ्रेंड्स, इफ़ यू आर नॉट ऑन माई चैनल येट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट इट और शेयर करना ना भूलिए। आपका हेल्दी फीडबैक जो है, इट हेल्प्स अस टू बूस्ट अप ओवर एनर्जी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेज लाती रहूँ।